सारण जिले के डेरनी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक जिले के डेरनी थाना क्षेत्र के छोटिया बनिया गांव निवासी भगवान राय का 25 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार बताया गया है। घटना का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवान राय का अपने पट्टीदारों के साथ भूमि विवाद चल रहा था और उसी विवाद में आज खेत की साफ सफाई को लेकर विवाद गहराया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे और चाकू भी चले और उसी दौरान पट्टीदारों ने रितेश के सीने में गोली मार दी, जिसके कारण उसकी मौत अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में हो गई। वहीं चाकू लगने से उसके पिता भगवान राय एवं अन्य दो लोग भी घायल हैं, जिन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए PMCH रेफर किया गया है। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा है, जहां शव का पोस्टमार्टम कराए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। रिपोर्ट हलचल News 24 छपरा। अपने चाचा की जो लड़का था वही अपना पहले चाकू मारे, उसके बाद गोली मारे। क्या नाम है मृतक का? रितेश कुमार है। पिता का? श्री भगवान राय। घर? बनिया। थाना? डेरनी। आप कौन है उनके? फुआ का लड़का है, मामा का लड़का है। मामा का लड़का आपके। घटना कहाँ हुई है? बनिया घर के बगल में, घर ही हुआ, घर ही के पास। विवाद क्या था? जमीन विवादी थी, जमीन के बारे में कोई लफड़ा था। सुनने में आ रहा है कि खेत पे कुछ लोग काम करा रहे थे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। हाँ। खेत पे कोई काम नहीं करा रहा था, जिसे घास लोग काट रहे थे। हाँ। इसके लिए वो चढ़ाई करके लड़ाई किए और लड़ाई करके चाकू पहले मारे, उसके बाद गोली मारे। पूर्व में भी पहले कभी विवाद हुआ था क्या? पहले नहीं हुआ, ऐसे तो घर विवाद ही होती है थोड़ा बहुत, ऐसे ज्यादा खास करके नहीं हुआ। दो लोग के घायल होने की भी सूचना आ रही है? जी जी। कौन कौन लोग घायल हैं? एक मेरा फूफा है, एक सिस्टर है और ये मेरा भाई है। उनको क्या स्थिति? क्या स्थिति? अभी ठीक है, अभी फूफा का लगे हैं, सिर पर चाकू लग से लगा है और मेरे बुआ का हाथ लड़की है, उनका हाथ पे लगा है। फूफा का नाम? श्री भगवान राय। और दूसरे घायल के व्यक्ति का नाम? वो थोड़ा सा चोट है, मेरे सिस्टर है। अच्छा, पूरा मामला क्या बताया जा रहा है, जैसे क्या? वही जमीनी विवाद भी है।